नमस्कार दोस्तों, मैं देव कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एमटीडी न्यूज चैनल में। दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज आई है जो कि मैं आपको अभी पढ़ के सुनाने वाला हूं। और दोस्तों ये सभी पल्स निवेशकों के लिए गुड न्यूज है। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करें, और दोस्तों अगर सब्सक्राइब का बटन सफेद है तो क्लिक ना करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये न्यूज़पेपर की कटिंग जो कि आज के न्यूज़पेपर में छपी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, पल्स चिटफंड घोटाले में 23 फरवरी को हुई सुनवाई में सेबी के सुझाव पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। सेबी और लोढ़ा कमेटी की अगुवाई में पीएसएल कंपनी जमीन बेचकर निवेशकों को लौटाए 49,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों अगर आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए और इस न्यूज़पेपर की कटिंग को डाउनलोड कर लीजिए। हमारे फेसबुक पेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक और फॉलो भी कर लें। तो दोस्तों मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुना देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 साल से प्रॉपर्टी नहीं बेच पाई थी सेबी। सुप्रीम कोर्ट ने 49,000 करोड़ के चिटफंड घोटाले में पल्स एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड के निवेशकों के रिफंड की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी और लोढ़ा कमेटी की अगुवाई में पल्स को जमीन बेचने के अधिकार दे दिए हैं। कोर्ट की सुनवाई में सेबी ने कहा है कि वह 2 साल से प्रॉपर्टी बेचने के लिए काम कर रहे हैं लेकिन बेचने में असमर्थ हैं। इस पर सुझाव दिया गया कि पीएसएल को ही जायदाद बेचने का अधिकार दिया जाए। 23 फरवरी को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव को मानते आदेश दिया है कि जस्टिस लोढ़ा और सेबी की देखरेख में पीएसएल अपनी प्रॉपर्टी बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने का काम करे। इसकी समय सीमा कमेटी और सेबी अपने स्तर पर तय कर सकते हैं। सेबी व लोढ़ा कमेटी कंपनी की एसेट की बिक्री बाजार मूल्य में करवाकर निवेशकों का करीब 49,000 करोड़ रकम लौटाएगी। तो दोस्तों यह तो हो गई आप सभी पल्स निवेशकों के लिए जो कि गुड न्यूज़ है, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, अब आपको जल्द पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अब कॉलोनी को विकसित करने की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पल्स प्लॉट होल्डर संघर्ष कमेटी के प्रधान गुरुसेवक सिंह संधू जगमेल मक्खनलाल मनीष पांधी ने बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है कि पंजाब में भटिंडा और मोहाली में ग्रुप की कॉलोनियों में विकास के लिए बीडीए और कूडा को आदेश दिए जाएं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा कमेटी को अपनी टिप्पणी देने के लिए 1 महीने का समय दिया है। सेबी 2 साल से पीएसएल और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ रिकवरी की प्रक्रिया चला रही है। इनमें त्रिलोचन सिंह, सुखदेव सिंह, निर्मल सिंह भंगू प्रमोटर्स हैं। कंपनी अपने निवेशकों को 49,000 करोड़ रुपए नहीं चुका पाई है। केस के प्रमुख बिंदु। मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने पीएसएल लिमिटेड और उसके 4 डायरेक्टर्स पर 2,423 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। पीएसएल पर लोगों से विभिन्न स्कीम के जरिए 49,000 करोड़ से ज्यादा का फंड जुटाने का आरोप है। पीएसएल पर आरोप है कि वह देश भर में जमीनों की खरीद बिक्री करने संबंधी रियल एस्टेट गतिविधियों के लिए एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रही थी। करीब 15 वर्षों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अगस्त 2014 में सेबी ने कंपनी को 49,000 करोड़ रुपए लौटाने का निर्देश दिया। कंपनी से रिफंड की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कमेटी की निगरानी में की जा रही है। सेबी का कहना है कि मामले को देखते हुए कंपनी पर जुर्माना भी लगाने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे एक और आप देख रहे होंगे न्यूज़, 4 डायरेक्टर्स पर जुर्माना। तो दोस्तों जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है, ये आप हमारे फेसबुक पेज से खुद पढ़ लीजिए। तो और दोस्तों ये आप न्यूज़पेपर की कटिंग भी आप हमारे फेसबुक पेज से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब जो लोग ये कहते थे कि पल्स का पैसा कभी नहीं मिलेगा, तो आप दोस्तों देख सकते हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि पल्स कंपनी अपनी ज़मीन खुद बेच सकती है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और दोस्तों इस वीडियो को सभी अपने पल्स साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और भी नई जानकारी के साथ। और दोस्तों हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, और दोस्तों सब्सक्राइब के साथ आप इस बेल आइकन को भी दबा लें जो कि आपको जैसे ही मैं न्यूज़ डालूं आपके पास मैसेज आ जाए, यानी कि नोटिफिकेशन आ जाए, और आप तुरंत ही न्यूज़ को सुन सकें। तो दोस्तों आप सब्सक्राइब के साथ इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। तो गुड बाय दोस्तों।